हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्यामला एकेडमी ऑफ होटल मैनेजमेंट गनाटी शिमला। और आज हम बात करने वाले हैं आपका मिनिमम सैलरी ऑफ वेटर इन इंडिया। इंडिया के अंदर आप किसी भी होटल्स, किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी फूड आउटलेट में जब काम करते हैं तो वेटर्स के रूप में आपकी सैलरी कितनी होती है, तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं मिनिमम सैलरी ऑफ वेटर या इंडिया के अंदर वेटर की मिनिमम सैलरी कितनी होती है। जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में जब अपना मैनेजमेंट कोर्स करते हैं तो आपके टीचर्स द्वारा आपको बताया जाता है कि होटल्स में स्टाफ की सैलरी लाखों तक होती है। तो ये सैलरी लाखों तक उसकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग होती है। तो वहां पर कौन कौन सी पोजीशंस होती है और वेटर्स की सैलरी कितनी होती है, ये समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि जो वेटर्स का जो डिपार्टमेंट है, फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट, तो उसमें कौन कौन से डेजिग्नेशंस होते हैं। तो इसमें जो डेजिग्नेशन की अगर हम बात करें तो सबसे लोएस्ट या जो फ्रेशर्स का जो डेजिग्नेशन होता है वो वेटर्स का होता है, आप उसको बोल सकते हैं गेस्ट सर्विस एसोसिएट। और उसके बाद आते हैं आपके कैप्टन, या उसको हम बोल सकते हैं फूड एंड बेवरेज सुपरवाइजर्स। उसके बाद आते हैं आपके असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर्स, और उसके बाद आता है आपका रेस्टोरेंट मैनेजर। जो रेस्टोरेंट मैनेजर होता है वो पूरे रेस्टोरेंट का मैनेजर या इंचार्ज होता है। और उसके अलावा आपके पास बार है, बैंक्वेट्स है, तो उसके अलग अलग मैनेजर्स होंगे। फॉर एग्जांपल बार मैनेजर्स आपका अलग होगा, बैंक्वेट मैनेजर्स अलग होंगे। और उसके ऊपर अगर हम पोजीशंस की बात करें तो उनके ऊपर आपका आता है असिस्टेंट फूड एंड बेवरेज मैनेजर्स, और उसके ऊपर आता है आपका फूड एंड बेवरेज मैनेजर और फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर्स, जो पूरे F&B सर्विस डिपार्टमेंट का हेड होता है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर वेटर्स की सैलरी कितनी होती है। तो जो वेटर्स की अगर हम सैलरी की बात करें इंडिया के अंदर, तो वेटर्स की सैलरी आपकी मिनिमम 10,000 से लेकर मैक्स टू मैक्स 15,000 तक होती है। ये डिपेंड करता है आपकी होटल्स की लोकेशंस के ऊपर, होटल्स की कैटेगरी के ऊपर, वो लार्ज होटल है या आपका स्मॉल होटल्स है, या किस प्रॉपर्टीज या किस ग्रुप का ये होटल्स है। इन सभी बातों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। 10,000 से 15,000 के बीच आपका जो सैलरी अमाउंट है वो कितना होगा, और इसके अंदर आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आपको फूड है, एकोमोडेशंस है, आपको ड्रॉपिंग्स है, ये सारी चीजें आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम यहाँ पर सैलरी की बात करें तो आपकी जो सैलरी वो 10,000 to 15,000 तक होती है। और ये सैलरी जो है ये आपकी नेट सैलरी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो आपके अकाउंट में आती है। जो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है वो अलग होती है। जो ग्रॉस सैलरी होती है उसमें आपके कुछ अलाउंसेस जुड़ के आते हैं तब आपकी ग्रॉस सैलरी कहलाई जाती है। और जो नेट सैलरी वहां पर आपकी कुछ डिडक्शंस होते हैं, जैसे आपका EPF हो गया, आपका फूड अलाउंस हो गया, और भी कई तरह के अलाउंसेस होते हैं, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उसके बाद जो आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है वो नेट सैलरी होती है। और हम यहाँ पर नेट सैलरी की बात कर रहे हैं, जो नेट सैलरी अगर वेटर्स की होती है आपकी मिनिमम 10,000 to 15,000 के बीच। और उसके बाद जैसी आपकी पोजीशंस बढ़ती हैं, आप सुपरवाइजर्स बनते हैं, आप रेस्टोरेंट मैनेजर बनते हैं या फिर भी मैनेजर्स बनते हैं, तो उसके बाद आपकी जो सैलरी वो बढ़ती रहती है टाइम टू टाइम। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें वेटर्स की, तो वेटर्स की सैलरी स्टार्टिंग में एज ए फ्रेशर्स के रूप में कितनी होती है। तो चलिए थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि किस टॉपिक में आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो हम उसी टॉपिक के ऊपर आपके साथ वो वीडियो शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो में अंतिम तक बनने के लिए। थैंक यू सो मच।